अक्षरा सिंह जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं वहाँ पे वो जिससे भी जो भी कह रही है शायद वह उस बात पे विश्वास कर ही लेगा। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह ने लाइफ पे पवन और खेसारी की दोस्ती पे कुछ ऐसा कह दिया है जो आज भी हमारे मन को चुभती है। तो वीडियो को पूरा देख पलक झपकते भोजपुरी के सारा खबर पहुंच जाए रउआ तक। राउर अपन चैनल भोजपुरी स्टार ट्यूब अगर देखो तानी तो सोची मौत, जाके कर दी सब्सक्राइब, घंटा के आइकन के दू हाली जरूर दबा देव, सब खबर फ्री में पहुंची रउआ तक। अक्षरा सिंह लाइव आई थी और लाइव में उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही है जो हमें सुन के काफ़ी हैरानी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कभी ऐसे हो जाते हैं और कभी साथ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हाथ से इशारा किया कि कभी अलग हो जाते हैं और कभी साथ हो जाते हैं, और इसका सीधा उदाहरण उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल को दिया है कि जब पब्लिक को दिखानी होती है तो ये लोग दुश्मनी कर लेते हैं, जब पब्लिक को दोस्ती दिखानी होती है तो दोस्ती कर लेते हैं। अक्षरा सिंह का यही कहना था। उन्होंने कहा कि यह इंडस्ट्री इतनी गहरी है कि अगर आप अंदर तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने बदल जाते हैं, समय नहीं लगता है बदलने में। अक्षरा सिंह का ये बात था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि अक्षरा सिंह खेसारी लाल के काफ़ी करीब थी और कुछ रूमर्स भी फैला था कि खेसारी लाल अक्षरा सिंह को काफ़ी चाहते भी थे, लेकिन इन दोनों की जोड़ी नहीं बनी। फिर अक्षरा सिंह का नाम पवन सिंह के साथ जुड़ा, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली, उसके बाद इन दोनों के बीच अलगाव हो गया, अब ये दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, लेकिन आज भी इनके जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह अब निडर होकर सब पे वार कर रही है, अब ये कितना सच है ये तो आप हमें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, अक्षरा सिंह के आरोप सही हैं या गलत। ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।